रीवा जिले में नगरीय निकाय के दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। इस चरण में नगर निगम रीवा में महापौर तथा पार्षद पदों एवं अन्य 9 नगर परिषदों में पार्षद पदों के लिए मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने सुरक्षा बलों के साथ नगर परिषद मनगवा, गोविंदगढ़ तथा सिरमौर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने मतदान केंद्रों तथा मतदान सामग्री वितरण स्थलों का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र में वर्षा को ध्यान में रखते हुए मतदान की व्यवस्थाएं बनाएं। स्थानीय स्तर के निर्वाचन में बड़ी संख्या में मतदान होता है। मतदाताओं को मतदान के लिए कतारबद्ध करने तथा बारिश से बचाव की व्यवस्था करें। मतदान दलों के ठहरने एवं भोजन के अच्छे प्रबंध करें। मतदान केंद्र के अंदर तथा परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में मतदान ईवीएम से कराए जा रहे हैं। वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों तथा उनके पोलिंग एजेंटों को इस संबंध में जानकारी दे दें। सभी मतदाताओं को 11 जुलाई तक मतदाता पर्ची का अनिवार्य रूप से वितरण करें, जिससे मतदाता सुगमता से मतदान कर सके। कलेक्टर ने अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में भी निर्देश दिए। भ्रमण के समय SDM मनगवा AK सिंह, SDM हुजूर अनुराग तिवारी, SDM सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री तथा अन्य अधिकारी उनके साथ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।